समुदाय का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए पहले हमने पढ़ा समुदाय का अर्थ क्या है। अब है विभिन्न विद्वानों ने समुदाय के अलग अलग अपने तौर पे अपने अपने विचारों से उन्होंने परिभाषाएं प्रस्तुत की है, जिसमें हमने सबसे पहले डेविस ने कहा कि समुदाय क्या है। सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू शामिल हैं। तो डेविस के अनुसार यही है समुदाय एक सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं और अपने अंतर्क्रिया करके वह एक समुदाय का निर्माण करते हैं अपने हितों सामूहिक हितों की जो पूर्ति करते हैं वह समुदाय कहलाता है। उसके बाद आता है बोगार्ड। बोगार्ड ने कहा कि हम की भावना और एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जब कुछ व्यक्ति कार्य करते हैं तो वह हमें क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। तो अब आ गया कि समुदाय क्या, ये किस चीज से बना हुआ है, समुदाय में क्या क्या होता है। तो हम बात करते हैं समुदाय के आधारभूत तत्व, जिसके हम जब ये चीजें होने पर भी हम तय कर सकते हैं कि यह समुदाय है, समिति है या संस्था है। तो सबसे पहले क्या है, व्यक्तियों का समूह। प्रथम आधारभूत तत्व होता है समुदाय व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। इसमें व्यक्तियों का समूह होना बहुत जरूरी है, प्राथमिक आवश्यकता इसमें व्यक्ति